राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा 7 मार्च को राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रवेश करेगी। जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा जिस दिन से लगातार देखने को मिल रही है, धौलपुर से वापस मध्य प्रदेश गई, और अब 7 मार्च को राहुल गांधी है जो रतलाम बॉर्डर है वहाँ से, जो राजस्थान की सीमा है दानपुर बॉर्डर, वहाँ से आएंगे और बांसवाड़ा में 97 किलोमीटर तक उस यात्रा को निकालेंगे। उसके बाद जो गुजरात में वह यात्रा है प्रवेश करेगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन पहले भी राहुल गांधी की यात्रा जो थी राजस्थान में देखने को मिली थी, राजस्थान में राहुल गांधी की सभा थी, सभा के माध्यम से बांसवाड़ा में उस आदिवासी क्षेत्र को साधने के लिए काफ़ी कुछ कांग्रेस ने प्रयास किया था। लेकिन ठीक उसी तरह बीजेपी में भी बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए थे, लेकिन राहुल गांधी की जो सभा थी उस सभा के माध्यम से इस तरह का कोई फायदा नहीं मिला था। विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने मानगढ़ में सभा की थी, लेकिन उस तरह का परिणाम देखने को नहीं मिला। लेकिन अब फिर से आदिवासी वोटर्स हैं, उनको साधने के लिए राहुल गांधी वह सभा के माध्यम से यहाँ पर पहले इकट्ठे हुए, लेकिन अब उस यात्रा के माध्यम से 97 किलोमीटर जो यात्रा है वह रहने वाली है, और 97 किलोमीटर की यात्रा के माध्यम से पूरी तरह से आदिवासियों को साधने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले महेंद्रजीत मालवीय है वो भाजपा में शामिल हुए हैं, उससे अब और कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है कि क्या महेंद्रजीत मालवीय के भाजपा में जाने से जो उनके लोग थे, क्योंकि उतना पूरा मैनेजमेंट था जो इस तरह की सभा और यात्रा और रैलियों के जो मैनेजमेंट थे वो महेंद्रजीत मालवीय देखते थे, किस तरह लोगों को भीड़ जुटाई जा सके, किस तरह लोगों को लाया जा सके। लेकिन अब कांग्रेस के लिए वह चुनौती बन गया है। महेंद्रजीत मालवीय भाजपा में शामिल हुए हैं, उन्होंने खुले मंच से कहा है कि वह भाजपा में और जो लोग हैं उनको शामिल कराएंगे, भाजपा की सदस्यता दिलाएंगे। तो अब क्या अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो जो भारत न्याय यात्रा है उसके लिए लोगों को लाना चुनौती बनेगा। जिस तरह से जो कांग्रेस की बैठकें चल रही है, बैठकों में यही कहा जा रहा है कि किस तरह लोगों को लाया जाए, किस तरह अधिक से अधिक लोगों को जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा उसमें जोड़ा जाए, लेकिन इस तरह का अभी तक इस तरह सामने नहीं आया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है 7 मार्च को आने वाली है और वहाँ से गुजरात में प्रवेश करने वाली है। जिस तरह से चुनाव नज़दीक है, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उस सीटों को साधने के लिए, उस बांसवाड़ा सीट और बांसवाड़ा से नज़दीक जो गुजरात की सीमा है उसको साधने के लिए, जो आदिवासी वोटर्स हैं उनको साधने के लिए राहुल गांधी उस राजस्थान की बांसवाड़ा से न्याय यात्रा को निकाल रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में उसको कांग्रेस को फायदा मिलेगा, यह तो न्याय यात्रा के बाद और जो चुनाव होंगे उसके बाद देखने को मिलेगा। लेकिन वोटर्स को साधने से पहले महेंद्रजीत मालवीय ने फिर से उनकी चिंताएं बढ़ा दी है कि कैसे साध पाएंगे। राहुल गांधी जब मानगढ़ में सभा की थी उस समय मालवीय ने पूरा मैनेजमेंट संभाला था, पूरा किस तरह लोगों की व्यवस्थाओं को देखा जाए, किस तरह लोगों को लाया जाए, यह व्यवस्था ज़्यादातर मालवीय ने देखी। लेकिन अब मालवीय भाजपा में शामिल हुए हैं, तो अब हो सकता है कांग्रेस के लिए कुछ चुनौती बन जाए, कैसे लाएँ लोगों को, कैसे जुटाया जाए उस सभा के में। TV9 के लिए राजेश डांगी।